छत्तीसगढ़ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के आज दौरे पर है। उन्होंने आज चुनावी हुंकार भरी है छत्तीसगढ़ में। उन्होंने कहा कि समाज, संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाना है तो कांग्रेस को वोट करें। बीजेपी के लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया है, हमने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, इसलिए वोट मांग रहे हैं। खड़गे ने कहा कि नेहरू गांधी के उसूलों के साथ कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया। बीजेपी नेताओं के पास में कांग्रेस नेताओं को गाली देने के अलावा कोई काम नहीं है। खड़गे ने ये बात सुकमा सभा के दौरान कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 साल पहले जो वादे आपसे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का नाम ऊँचा हुआ है और पार्टी यहाँ पर मजबूत हुई है। मैं सिर्फ वोट मांगने नहीं आया हूं, अपने आपसे विनती करने आया हूं कि एक तरफ तो हमें चुनाव जिताना होगा लेकिन सबसे ज़्यादा समाज, संविधान, लोकतंत्र और देश को बचाना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। राहुल जी ने और बढ़ के उस दिन घोषणा की, हमारी सरकार फिर से बनाइए, जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं वो 4,000 प्रति मानक गोरे के दर से जो पैसा मिलेगा तो मिलेगा ही, हर परिवार को भी 4,000 हर साल देंगे, ये राहुल जी ने घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि हमारी सरकार फिर बनाइए और फिर से किसानों का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कांग्रेस की सरकार बनाइए, फिर से कर्ज माफ होगा। और साथ ही जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, इस चुनावी भाषण में सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया, मैं यहां पर जो आया हूं और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है, यह सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं,